आप सभी ने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, लेकिन जो बाबरी मस्जिद जिसके लिए इतनी लड़ाइयां हुई उसका कुछ नामो निशान नहीं है, कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ गया। कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो गया, और ये भी कोर्ट ने फैसला दिया था कि 5 एकड़ की जमीन दी जाए मुस्लिम कम्युनिटी को उन्हें मस्जिद बनाने के लिए। लेकिन अभी तक कुछ तैयार नहीं है, कुछ अता पता ही नहीं है मस्जिद का कि गया कहाँ। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, लेकिन बाबरी मस्जिद का क्या हुआ, क्या कारण है कि अभी तक मस्जिद तैयार नहीं हुआ, काम अभी तक नहीं हुआ। वो आइए जानते हैं क्या कारण है, क्या वजह है मस्जिद के काम ना शुरू होने का। मैं आपको बता दूं, जब कोर्ट में केस चल रहा था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का, तो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से करोड़ों के फंड दिए गए थे, लाखों लाखों लोगों ने पैसे खर्च किए थे केस को लड़ने के लिए। अलग अलग लोग आते, अलग अलग बिजनेसमैन आए थे मुस्लिम कम्युनिटी से। लेकिन जब ये कोर्ट ने फैसला दे दिया कि राम मंदिर ही बनेगा अयोध्या में और मुस्लिम कम्युनिटी को 5 एकड़ की अलग से जमीन दी जाएगी, उन्हें दे भी दी गई जमीन, लेकिन हालात ये है अब कि मुस्लिम कम्युनिटी के पास फंड ही नहीं है, पैसे ही नहीं है कि वो नींव भी खड़ी कर सके मस्जिद की। उनके पास इतना भी फंड नहीं है कि वो मस्जिद का नक्शा बनवा सके। देखिए, नक्शा बनवाने के बाद अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक बार आपको नक्शा पास करवाना पड़ता है, जिसके लिए लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगते हैं। उनके पास इतना भी फंड नहीं है कि नक्शा भी पास करवा सके। इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि मुस्लिम कम्युनिटी कभी वो मस्जिद बनाना ही नहीं चाहती थी, वो सिर्फ ये चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने ही ना। बस उनका एक ही टारगेट था कि अयोध्या में राम मंदिर ना बने। अगर उनका मेन मकसद होता कि वहां मस्जिद बने, तो लोगों ने फंड दिए होते, पैसे दिए होते मस्जिद को बनाने के लिए, जिन लोगों ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए कोर्ट केस में लड़ने के लिए, वो लोग अब कहां गए फंड देने के लिए मस्जिद को बनाने के लिए। कि 4 साल के बाद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, रामलला विराजमान भी हो गए, और मस्जिद में जो 5 एकड़ की जमीन दी गई थी 25-26 किलोमीटर दूर अयोध्या राम मंदिर से, वो ऐसी बंजर पड़ी है, खाली बस एक बोर्ड लगा के छोड़ दिया गया है वहां पर, और कुछ भी काम नहीं हुआ है वहां पर। तो आप इससे उनकी हैसियत, औहदे और सोच का पता लगा ही सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट में बताओ, और जब तक ज्ञान के अंधे मत बनो।